एवरेज एटॉमिक मास देखने जा रहे हैं, इसका जो साइन है ये है ए बार से, मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और इसको मीन एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं नेचर में, तो उन एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन वाइज हम बात करें तो इट इज़ वेटेड एवरेज ऑफ द आइसोटोप प्रेजेंट इन द कंपाउंड या एलिमेंट। अब इसका क्या मतलब ही आगे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, जिनके लिए सेम एटॉमिक नंबर हो बट डिफरेंट मास नंबर। तो जैसे एग्जांपल मैं हाइड्रोजन एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ, तो इसके तीन तरह के आइसोटॉप नेचर में पाए जाते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को हम बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, और 1H3 को हम बोलते हैं ट्रिटियम। फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं तो ए बार जो एवरेज एटॉमिक मास है ये होता है A1X1 प्लस A2X2, जितने भी हैं उन सबका सम डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पे A1 A2 क्या है, A1 A2 आर द एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स जो हम ले रहे हैं उसमें, और X1 X2 है परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स प्रेजेंट। अब बात करते हैं कि व्हाट इज मीन बाय परसेंटेज अबंडेंस। तो परसेंटेज अबंडेंस क्या होती है, जैसे सपोज एग्जांपल मैं किसी सैंपल में 100 एटम्स ऑफ क्लोरीन ले देता हूँ। अब क्लोरीन में दो तरह के आइसोटॉप्स है, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। मान लीजिए सैंपल में 75 एटम इस वाले आइसोटॉप के हैं और 25 एटम इस वाले आइसोटॉप्स के, तो जो एटम का परसेंटेज होगा उसी को हम परसेंट अबंडेंस बोलते हैं। यानी कि क्लोरीन 35 75 एटम्स है आउट ऑफ 100, तो इसकी परसेंटेज अबंडेंस 75% हो गई, और क्लोरीन 37 आइसोटॉप की परसेंटेज अबंडेंस 25% होगी। तो ये समझ गए आप कि ये वास्तव में हो है क्या परसेंटेज अबंडेंस, इट इज परसेंटेज ऑफ द बाई एटम्स। तो टोटल एटम्स में जितने एटम का परसेंटेज उसका पड़ा होगा आइसोटॉप का, उसको हम परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं। अब इस पे आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन में दो तरह के आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इनका जो एटॉमिक मास है वो है 35 और 37 रेस्पेक्टिवली। परसेंटेज अबंडेंस 75 35 वाले की, और परसेंटेज अबंडेंस 25 37 वाले की, ठीक है। तो हम सीधा फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला कौन सा है, जो कि मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है, ए बार इज इक्वल टू A1X1 प्लस A2X2 सबका सम अपॉन 100। सारी परसेंटेज का सम 100 होता है, ठीक है। तो 35 × 75 अपॉन 37 × 25 डिवाइड बाई 100, ये आता है 35.5 AU। तो जो क्लोरीन का मास आप देखते हैं 35.5, ये बेसिकली एवरेज है। तो हम क्या करते हैं, आइसोटोप जो भी पड़े हुए हैं उनका जो है वेटेड एवरेज लेते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, एवरेज एटॉमिक मास।